नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। योगी सरकार चाहे जितने भी बना ले नियम और कानून, कितने भी चला ले अभियान, लेकिन ना रुका है ना रुकेगा महिलाओं पर होने वाला अत्याचार। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ना रुका है और ना रुकेगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से घटना, जहाँ 14 साल की लड़की का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला, जहाँ माँ बाप मांगते रहे अपनी बेटी के लिए थाने जाके, इंसाफ नहीं मिला इंसाफ, लेकिन जो मिला वो मिली उनकी बेटी की लाश जो फंदे से लटकी मिली। वही परिवारजनों कहना है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने ही उनकी बेटी को मार के लटका दिया है। नजर डालते हैं कानपुर से आने वाली इस दिल दहलाने वाली इस घटना पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशासन और महिला सुरक्षा को लेकर लगातार हर मंच से यूपी पुलिस की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन कानपुर की एक घटना ने यूपी पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। मामला है कानपुर देहात के राजपुर का, जहां एक 14 साल की लड़की ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मृतक लड़की के 8 साल के भाई का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले लड़कों ने उसकी बहन को फांसी लगा दी, और ये वही लड़के हैं जिन्होंने काफी समय से उसकी बहन को परेशान कर रखा था। क्या मामला हुआ? हमको वो खांच के लगे उधर द्वार है, माँ मुस्कान के उधर अंदर लगे तो ने फांसी लगा कर मार डाला था। कौन लोगों ने? कितने लोग थे? चार लोग। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट की है? अब चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल कानपुर देहात के राजपुर इलाके में गुरुवार की शाम छेड़छाड़ पीड़ित 14 साल की नाबालिग छात्रा का शव उसके घर में फांसी से लटकता मिला। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात है कि जिस वक्त ये घटना घटी, उस समय पीड़िता के पिता राजपुर थाने में बेटी से छेड़छाड़ करने वाले पड़ोसी लड़कों के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट की FIR लिखाने राजपुर थाने में मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनके FIR लिखने की जगह उन्हें थाने से भगा दिया था। पिता का आरोप है कि उनकी लड़की को उन्हीं के पड़ोसी राधेश्याम के लड़के हमेशा छेड़ते थे। जब उन्होंने इस बात की शिकायत की तो सबने मिलकर उनकी बेटी और पत्नी को खूब मारा। अब इस बात की शिकायत लेकर वे राजपुर थाने गए, वहाँ तैनात दरोगा साहब ने उन्हें भगा दिया, और जब लौट कर वो घर आए तो उनकी बेटी फंदे पर लटकी मिली। साहब गए थाने, ये साहब जब खड़े कहाँ गए? ये साहब भाग जाए यहाँ से, जानी नसीम तो बंद कर देंगे। नसीम का हाँ बंद कर देंगे, ये रिपोर्ट लिख रही है, डरते ही ऐसी धरो बार बार में औरत को डालता है। अब नहीं चलो भैया, कुछ ना ही हुए जानी, चले आज जैसे बाहर फोन पे तो अंदर बताओ भांजी नहीं जब बोल रहा हमारा, ये बच के आए थे हम लोगों का मारो फोन बचा, ये देखो इन और का मारो रहा कम से कम आठ दस पूरा कटेरिया टोटल है बोला। तो सुना आपने कि मृतक के पिता का क्या कहना है। वो पुलिस के सामने ही कह रहे हैं कि जब मैं कंप्लेन करने पहुंचा तो दरोगा जी ने डांट कर उन्हें और उनकी पत्नी को भगा दिया। अब चलिए इस मामले पर एक बार पुलिस की भी बात सुन लेते हैं। दोनों पक्षों में कल झगड़ा हुआ, इसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे और वहाँ पर उनकी मेडिकल कराए जाने की प्रक्रिया आरंभ होने वाली थी। इसी दौरान जो है ये सूचना मिली कि लड़की ने वो फंदे पर लटकी हुई है। घर वालों का ये आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे मार करके फंदे पर लटका दिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अन्य बिंदुओं पर भी जाँच की जा रही है। जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार जो भी अभियुक्त होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस प्रकरण में की जाएगी। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी परिवार को दी जाए और जो भी सहयोग इस परिवार का हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। कसम से मजा ही आ गया IG साहब को सुनकर। एक तरफ जहाँ परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि FIR ही दर्ज नहीं हुई, वहाँ IG साहब ने ये दावा कर दिया कि पुलिस मेडिकल करवाने में लगी थी तब तक उन्हें पीड़िता की मौत की खबर आ गई। खैर, इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई।